अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर्वक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बक्के हिस्से की तरफ। फलोस्कर कह रहा था, बेशुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए धर्मचंद जी, फलोस्कर ने बेताबी का इजहार करते हुए कहा। मैंने कहा, अपने आदमी टॉर्चर सेंटर से आए हैं, इन्हें खुफिया पनागाह में दो दिन आराम कर लेने दो। हमने हफ्ते का एक दिन और मुकर्रर कर लिया, वक्त दिन के वक्त 1 बजे मुकर्रर किया गया। फलोस्कर का ख्याल था कि ये वारदात शाम के वक्त होनी चाहिए, क्योंकि शाम के वक्त राजा बाजार में ज़्यादा रश होता है। मैंने दोपहर का वक्त इसलिए तय किया था कि दिन की रोशनी में पुलिस के आदमियों को भारतीय दहशतगर्द साफ नजर आ जाएं। मैंने कहा, शाम के वक्त राजा बाजार में इतना रश नहीं होता जितने दिन के वक्त होता है। शाम के वक्त लोग ज़्यादातर अपने अपने घरों में चले गए होते हैं। फलोस्कर की समझ में ये बात आ गई, कहने लगा, हमें ट्रंक बाजार वाले चौक से दाखिल होकर हमला करना होगा। हमारे आदमियों को इस तरह आगे बड़ी मस्जिद की तरफ से फरार होने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि इधर बाजार काफी खुला हो जाता है और आगे मैदान भी है। मैंने दिल में कहा, चाहे जिस तरफ से अटैक करो, ये भारतीय दहशतगर्द तो अब जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है, हमारे आदमियों को मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आना होगा। वो ट्रंक बाजार से फायरिंग करते राजा बाजार में दाखिल होंगे और फायरिंग करते बड़ी मस्जिद की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन मोटरसाइकिल बड़ी दुरुस्त हालत में होने चाहिए। फलोस्कर कहने लगा, हम इनका तेल पानी वगैरह चेक करेंगे, हम नए मोटरसाइकिल खरीद लेंगे, आखिर हमारे सफारत खाने के पैसे और किस काम आएंगे। मैंने कहा, है तुम अपनी जिम्मेदारी पर खरीदोगे? वो बोला, धर्मचंद जी, वारदात की कामयाबी के लिए नए मोटरसाइकिलों का होना जरूरी है, नए मोटरसाइकिल कभी धोखा नहीं दे सकते। मलक साहब को इस सारे मंसूबे से आगाह कर दिया गया था, इन्होंने कहा कि मामला बड़ा नाजुक है और बाजारों में लोगों का हजूम होता है, इससे पहले कि हम इन्हें काबू करें वो एक आध बरस जरूर फायर कर चुके होंगे और कई बेगुना मारे जाएंगे। कोई ऐसी तरकीब करो कि या तो ऐन वक्त पर इनकी कलाशन कोफे जाम हो जाए या फिर ऐन वक्त पर इनके हथियारों से मैगजीन निकाल लिए जाए। मैंने इस तरकीब पर बहुत गौर किया, इस तरकीब पर अमल मुश्किल मालूम होता था, क्योंकि सारा असला फलोस्कर के कब्जे में था और हथियारों को जाम करना या इनमें गोलियां निकाल लेना मुमकिन अदा नहीं आता था। जब मैंने मलक साहब से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप कोई इसका हल निकालें, तो टेलीफोन पर कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, ठीक है, तुम हमें बिल्कुल सही सही वो रूट और रास्ता बता दो जिस रास्ते से ये दोनों दहशतगर्द मोटरसाइकिल लेकर राजा बाजार में दाखिल होंगे। मैंने इन्हें रूट बताया तो इन्होंने कहा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि ये लोग इसी रूट से आएं। मैंने इन्हें यकीन दिलाया कि दहशतगर्द इसी रूट से आएंगे, ये रूट रावलपिंडी कॉलेज मोड़ नाला लई और ट्रंक बाजार के चौक वाला रूट था। ट्रंक बाजार के चौक में से इन्हें राजा बाजार में दाखिल होना था और दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देनी थी। वक्त और दिन तय हो गया, दहशतगर्दी की वारदात शुरू करने से पहले हथियारों को दो दो तीन तीन बार चेक किया गया कि अहम मौके पर धोखा ना दे जाएं। दोनों दहशतगर्दों ने अपने पास एक खंजर भी रख लिया, लिबास इनका वही शलवार कमीज गर्म सूट और ऊपर से कंबल लपेटे हुए थे, कंबलों के अंदर इन्होंने भरी हुई कलाशन कोफें छुपा रखी थी। दिन के ठीक 10 बजे ये लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर वारदात करने निकल खड़े हुए। हम अपनी गाड़ी में इनके पीछे पीछे जा रहे थे, इन्हें हिदायत कर दी गई थी कि हमारे साथ साथ रहें। रावलपिंडी के मरी रोड से होते हुए हम लोग रेलवे पुल की तरफ चले जा रहे थे, धूप खूब निकली हुई थी, मौसम सर्द था, लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, सड़कों पर ट्रैफिक जारी थी। मुझे मलक साहब के मंसूबे का इल्म नहीं था, मैं भारतीय दहशतगर्दों को ये भी नहीं कह सकता था कि वो राजा बाजार में दाखिल होकर पहले 2-3 हवाई ब्लास्ट करें, ऐसा करने का कोई तुक नहीं था, खामखा मुझ पर शक पड़ सकता था। दिल में मैं यही दुआ कर रहा था कि मलक साहब ने कोई ऐसा मंसूबा सोचा हो जिससे कोई भी शहरी हलाक ना हो बल्कि जख्मी तक ना हो, क्योंकि इन दहशतगर्दों की कलाशन कोफे मैगजीनों से भरी हुई थी और ये दोनों भारतीय दहशतगर्द संगदिल पेशावर कातिल थे और इनकी निजात का सिर्फ एक ही जरिया था कि वो पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कत्ल करें। सिर्फ इसी सूरत में इन्हें भारत वापस जाकर जेल से उम्र कैद से रिहाई मिल सकती थी। दोनों दहशतगर्द हमारी गाड़ी से थोड़ा आगे सड़क पर अलग अलग होकर मोटरसाइकिल पर सवार चले जा रहे थे। फलोस्कर गाड़ी चला रहा था, मैं इसके साथ वाली सीट पर बैठा था। नीलम सैनमा के सामने से सड़क कॉलेज रोड की तरफ जाती थी, दहशतगर्दों को 3-4 बार इस रूट पर चलाकर रिहर्सल करा दी गई थी। अब हम कॉलेज रोड पर आ गए थे, लोग आ जा रहे थे, हर किस्म की ट्रैफिक सड़क पर जारी थी। हमारे बाएं जानिब लियाकत बाग आया और गुजर गया, फिर सैनमा घर शुरू हो गए, नललई का पुल भी पीछे रह गया, सामने ट्रंक बाजार वाला चौक था। इस चौक से दहशतगर्दों को राजा बाजार की तरफ मुड़ना था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, मलक साहब की तरफ से अभी तक कुछ नहीं हुआ था, चौक आ गया था। यहाँ से राजा बाजार का फासला बमुश्किल 10 सेकंड में तय करके इन भारतीय दहशतगर्दों ने राजा बाजार में दाखिल होते ही लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर देनी थी। या अल्लाह, तो हमें अपनी पनाह में रखना, मैंने दिल में जो दुआएं याद थी पढ़ने लगा, कहीं मलक साहब ऐन वक्त पर बीमार तो नहीं पड़ गए, फिर हमारी पुलिस कहाँ है, हमारे कमांडोज कहाँ हैं, इन लोगों को अब कौन रोकेगा। अचानक मुझे पुलिस के 2 मुसल्ला जवान एक तरफ से निकलकर चौक के दरमियान में आते नजर आए, इनके दाएं बाएं कुछ और मुसल्ला सिपाही भी निकलकर चौक में आ गए। इन्होंने दोनों दहशतगर्दों को मोटरसाइकिल पर हाथ रखकर इन्हें रोक लिया। वो इतनी जल्दी सामने आ गए थे कि दहशतगर्दों को कंबल के अंदर से कलाशन कोफे निकालने का मौका न मिल सका।
हमने गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी और गाड़ी से बाहर निकलकर एक तरफ हटकर खड़े थे। पुलोस्कर ने दबी जबान में घबराई हुई आवाज में कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, यहाँ चेकिंग हो रही है। मैंने कहा, फिक्र ना करो, वो हमारे आदमियों की तलाशी नहीं लेंगे। गुज़श्ता हफ्ते की वारदात की वजह से पुलिस रस्मी तौर पर लोगों को रोक कर एक दो सवाल पूछती है, कुछ नहीं होगा। दिल में बार बार खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। मेरे दिल की धड़कनें पुलिस को इन्हें रोकते देखकर मामूल पर आ गई थी। वाकई पुलिस तलाशी वगैरह नहीं ले रही थी। दहशतगर्दों के दाएं बाएं एक एक मुसल्ला पुलिस का जवान हाथ में स्टेन गन लिए जरूर खड़ा था, मगर इनमें से कोई भी दहशतगर्दों की तलाशी वगैरह नहीं ले रहा था। दोनों सिपाही आगे को देख रहे थे। आगे पुलिस की पूरी मुसल्ला गार्ड खड़ी लोगों को रोक कर और उनकी सरसरी चेकिंग करके इन्हें आगे जाने की इजाजत दे रही थी, मगर मुझे मालूम था कि जो लोग पुलिस की वर्दी में मौजूद हैं वो जरूर हमारे खुफिया कमांडोज हैं। और ये यूं ही नहीं खड़े, बल्कि इन्हें मालूम है कि ये सारा ड्रामा इन दोनों को काबू में करने के लिए रचाया गया है। चेकिंग करते करते पुलिस के जवान हमारे दहशतगर्दों के पास भी आ गए। जैसे ही वो मोटरसाइकिल के करीब आए, भारतीय दहशतगर्दों ने कंबल उतार फेंका और कलाचनकोफ उठाकर फायर करने ही वाले थे कि पुलिस के जवानों ने स्टेन गनों के बस्ट मारकर दोनों को भून डाला। पुलोस्कर झुककर बड़ी तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया और अंदर जाकर बोला, अंदर आ जाओ, जल्दी करो। इसने अंग्रेजी में कहा और इंजन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी और रेलवे पुल की तरफ दौड़ने लगी। पुलोस्कर सख्त परेशान था, अंग्रेजी में बार बार कह रहा था, बड़ी बदकिस्मती हो गई है, बैड लक। ये लोग मोटरसाइकिलों पर महात्मा बनकर क्यों बैठे रहे थे? इन्हें इस वक्त फायरिंग शुरू कर देनी चाहिए थी जब पुलिस ने इन्हें रोका था। माई गॉड, है राम, बड़ी बदकिस्मती हुई, हाई बैड हो गया। मैं इसकी आहुदारी में इसका बराबर साथ दे रहा था, लेकिन दिल में खुश था कि मैं बयान नहीं कर सकता। मलक साहब की जवाबी स्कीम की दिल खोल कर दाद दे रहा था, इन्हें यही करना चाहिए था। बाद में इन्होंने मुझे बताया कि जिस पुलिस ने चौक में इन्हें रोका था वो पुलिस के जवान नहीं थे, बल्कि पुलिस की वर्दी में तरबियत याफ्ता कमांडो थे। भारतीय सफारतखाने को इसी वक्त वारदात की नाकामी और भारतीय दहशतगर्दों की हलाकत की खबर मिल गई थी। ये खबर दूसरे लम्हे इंडिया की वजारत खारजा को पहुंचा दी गई और यूं चंद लम्हों के अंदर अंदर भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस और बाल ठाकरे को भी वारदात की नाकामी और दहशतगर्दों की हलाकत का इल्म हो गया। दो दिन के अंदर अंदर इसकी नाकामी की पूरी तहकीकात के बाद इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट मुतलका वजारत को पेश की, इसमें यही लिखा गया था कि वारदात की नाकामी की वजह पाकिस्तान के शहरों में सिक्योरिटी के निजाम का जदीद सतह पर मजबूत और मरबूत किया जाना है। चूंकि पहले खूनी वारदात इसी शहर में हो चुकी थी, इसलिए यहाँ खास तौर पर सिक्योरिटी ज्यादा सख्त थी और पुलिस जगह जगह मोटरसाइकिल वालों की चेकिंग कर रही थी। मसलहत का तकाजा था कि यह वारदात मुलतवी कर दी जाती। तीसरे दिन बाल ठाकरे का मुझे खुफिया पैगाम मिला कि वापस मुंबई आ जाओ। दहशतगर्दी की मुहिम को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। मैंने मुंबई वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी। मुझे वापसी के लिए बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं थी। मेरे पास भारत का एक अलग पासपोर्ट था जिसके जरिए मैं शारजा से मुंबई जा सकता था। जिस रोज मुझे रात की फ्लाइट से शारजा और वहां से सुबह की तैयारी से मुंबई रवाना होना था, इससे एक दिन पहले की बात है, मैं किसी जरूरी काम से अपने इस्लामाबाद वाले फ्लैट से थोड़ी देर के लिए स्टोर की तरफ गया हुआ था। वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी नौकरानी दरवाजे के बाहर खड़ी एक आदमी से बातें कर रही थी, जिसने कंबल अपने जिस्म पर लपेट रखा था और देहाती आदमी लगता था। मुझे देखकर नौकरानी एक तरफ हट गई। मैंने पूछा, क्या बात है, कौन है ये? इस आदमी ने घूमकर मेरी तरफ देखा तो मैंने इसे पहचान लिया। ये आदमी हिंदू था और भारत के सफारतखाने में चपरासी था। मैंने 2-3 बार सफारतखाने में इसे देखा था, इसका नाम मुझे मालूम नहीं था। मैंने पूछा, क्यों, क्या बात है? मैंने नौकरानी को अंदर जाने का इशारा किया। जब वो चली गई तो मैंने भारतीय सफारतखाने के चपरासी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आ गए हो? क्या तुम्हें मुझसे मिलना था? तुम्हें मुझसे मिलने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? वो बोला, महाराज, मैं इधर एक काम से आया हुआ था, अपनी अम्बेसी का रास्ता भूल गया, आपका मकान देखा था, सोचा आपसे पता मालूम कर लेता हूँ। नौकरानी ने कहा, आप यहाँ नहीं हैं। मेरे दिल में खतरे की घंटी बजने लगी। काल गुजरा कि ये शख्स यूं ही इधर नहीं आया, इसे सफारतखाने की तरफ से मेरे पीछे लगाया गया है। मगर मैंने इस पर कुछ भी जाहिर ना होने दिया और इसे अम्बेसी का रूट बताते हुए कहा, आइंदा अगर रास्ता भूल जाओ तो मेरे फ्लैट पर मत आना, ये बात हम सबके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ठीक है महाराज, बिल्कुल ठीक है, गलती हो गई, और वो चला गया। इसके जाने के बाद मैंने मलक साहब को फोन करके अपने खुफिया रेस्टोरेंट में बुलाया और ये वाकया बयान करते हुए कहा, मलक साहब, मुझे लगता है कि इंडिया की इंटेलिजेंस को मुझ पर शक पड़ गया है, ये शख्स अपने आप इधर नहीं आया था, इसे किसी ने खास तौर पर भेजा था। मलक साहब लंबी सोच में पड़ गए, पुराने तफ्तीशी अफसर थे, कहने लगे, तुम्हारा शक मुझे भी बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है, मेरा तो ख्याल है तुम मुंबई वापस ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँचते ही तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। मैंने कहा, कुछ हल्का सा खटका इस बात का मेरे दिल में भी पैदा हो गया है, लेकिन फिर ख्याल आता है कि ऐसी कोई खास बात मुझे नजर नहीं आ रही, और फिर मेरे सामने एक बहुत बड़ा मिशन है, मुझे इन तोपों और खतरनाक स्ट्रिंगर मिसाइलों को तबाह करना है जिनका रुख पाकिस्तान के शहरों की तरफ है। एक बार फिर गौर कर लो, हमें तुम्हारी जिंदगी भी अजीज है, मलक साहब ने कहा। मैंने मुस्कुराते हुए मलक साहब से कहा, अल्लाह मालिक है, मैं कल रात यहाँ से मुंबई की तरफ रवाना हो जाऊंगा, मेरा हमशक्ल और असली धर्मचंद फरार न होने पाए। अगर वो आपकी कैद से निकल भागा और बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया पहुंच गया, बल्कि अगर वो भारतीय सफारतखाने में पहुंचने में कामयाब हो गया, तो फिर मेरे जिंदा पाकिस्तान वापस आने की उम्मीद दिल से निकाल रखें। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि धर्मचंद इस वक्त तक हमारी कैद में ही रहेगा, जब तक कि तुम अपने सारे मिशन पूरे करके अपनी मर्जी से वापस पाकिस्तान नहीं आ जाते।
मलक साहब ने पूरे एतमाद और यकीन के साथ कहा। दूसरे रोज में रात को इस्लामाबाद से शारजा प्रवास कर गया, वहाँ एक दिन ठहरा। इसके बाद रात की फ्लाइट से मुंबई रवाना हो गया। मुंबई की जगमगाती रोशनियां नजर आई तो दिल में खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शहर में मेरी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया जा चुका हो। मुझे मुंबई की रोशनियां मेरी गिरफ्तारी के लिए बिछाए गए जाल की रोशनियां दिखाई देने लगी। मगर दूसरे लम्हे मैंने इस खौफ को दिल से हटा दी और अपने आप को ये कहकर तसल्ली दी कि मेरे खिलाफ इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है। अगर सफारतखाने का कोई आदमी मेरी निगरानी कर रहा था तो ये एक नॉर्मल बात है। दूसरे मुल्कों में किसी मुल्क के जासूस की निगरानी हुआ ही करती है। रात काफ़ी गुजर चुकी थी जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा। मैंने अपने आने की इतला नहीं दी थी। मैं शिवसेना के दफ्तर वाले फ्लैट की चाबी पास ही थी। मैं टैक्सी लेकर अपने फ्लैट पर आ गया, कपड़े बदलकर बत्ती बुझाई और बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी, दिल में बार बार वसवसे पैदा हो रहे थे। कहीं लोगों को पता तो नहीं चल गया कि मैं असली धर्मचंद नहीं हूँ बल्कि इसका हमशक्ल बनकर भारत में जासूसी के लिए आया हुआ हूँ। तरह तरह के खदशे दिल में उभर रहे थे। आखिर नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। दूसरे रोज भारत के नमरूद शिवसेना के लीडर बाल ठाकरे के आगे मैं खड़ा था। बालाजी राव मुझे साथ लेकर गया था। बालाजी राव की मौजूदगी से भी मुझे खटका लगा था कि दाल में कुछ काला जरूर है। मगर मैंने अपने हवास को पूरी तरह अपने काबू में रखा हुआ था। मुझे काफी हद तक यकीन था कि इन लोगों के पास ऐसी कोई हतमी सबूत नहीं है जिसे ये साबित हो सके मैं पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से मिला हुआ हूँ। बाल ठाकरे अपने शानदार कमरे में बड़े सोफे पर बड़े शाहाना अंदाज से बैठा हुआ था। सिल्क का जाफरानी लंबा चोला, सिल्क का इसी रंग का पाजामा, उंगलियों में हीरे की अंगूठियां, कंधे पर गहरा सिंदूरी रंग का रेशमी पटका, पीछे शिवाजी मल्हट्टा का घोड़े वाला मुजस्मा। मैंने जाते ही हाथ बांधकर प्रणाम किया, झुककर इसे घुटनों को छुआ। वो मुझे आंखें सुकेड़ कर घूरता रहा, ये इसकी आदत थी। कहने लगा, धर्मचंद इस बार तुमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि पिंडी में पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है और हर चौक में चेकिंग होती है। मैंने कहा, पेशवा जी ये गलती मुझसे जरूर हुई है, लेकिन पेशवा जी का लकब मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था कि भारतीय सफारतखाने के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी ने ठाकरे को खुफिया पैगाम भेजते हुए इसका यही लकब लिखा था। बाद में बालाजी की जबानी मालूम हुआ कि ठाकरे को अपना ये लकब भी बहुत पसंद है। मेरी बात को काटते हुए बाल ठाकरे बोला, लेकिन कुछ नहीं होता धर्मचंद, तुमसे बड़ी खतरनाक गलती हुई है जिसके नतीजे में हमारे दो आदमी मारे गए हैं। मैंने फैसला किया है कि अब तुम आदमी लेकर पाकिस्तान नहीं जाओगे, तुम्हारी जगह बालाजी राव जाएगा। मेरे सर पर इस खच्चे की जो तलवार लटक रही थी कि कहीं मेरा राज तो फाश नहीं हो गया, वो मेरे सर पर से हट गई थी। बाल ठाकरे को मुझसे शिकायत जरूर पैदा हो गई थी, लेकिन ये शिकायत ऐसी खतरनाक नहीं थी। मैंने कहा, आपका हुक्म सर, आंखों पर महाराज। बालाजी राव मेरी तरफ कनखियों से देखते हुए फातेहाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। साफ लगता था इसने मेरे खिलाफ बाल ठाकरे के कान भरे हैं। मैंने कोई परवाह न की, मुझे भारत में इन लोगों के दरमियान रहकर जो काम करना था वो मुझे हर हालत में करना था और मैं कर रहा था। डर सिर्फ इस बात का था कि कहीं मेरी असलियत जाहिर न हो जाए। ऐसा भी नहीं हुआ था, मैं अभी तक महफूज रहकर अपने पाकिस्तान के सलामती कमीशन जारी रख सकता था। बाल ठाकरे कहने लगा, बालाजी पहले भी पाकिस्तान दो बार जा चुका है, बाकी इसे कुछ पूछना होगा तो तुमसे पूछ लेगा। मैं अब भी यही सोच रहा था कि ये शख्स मेरी क्या ड्यूटी लगाता है, क्योंकि इसका कोई भी कारकुन कभी फारिग नहीं रहा था। ये लोग इसके हुक्म पर पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों के खिलाफ किसी न किसी तकरीबी कार्रवाई में लगे रहते थे। मैं खुद पूछना भी नहीं चाहता था। कुछ देर बाल ठाकरे से बालाजी राव से पाकिस्तान की दहशतगर्दी की नई पॉलिसी के बारे में गुफ्तगू करता रहा। फिर मैं इतना मुतवज्जा हुआ और बोला, धर्मचंद तुम काफी दिनों से अपने बाल बच्चों के पास नहीं गए, मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम अपने गाँव जाकर आराम करो, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे बगैर उदास होगी। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बाल ठाकरे के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट पहली बार देख रहा था। मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि मेरे बारे में इसके दिल में कोई शक व शुबात नहीं थे। कम से कम मैं यही नतीजा निकाल सकता था। बाकी दिलों के हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन एक शक भी मेरे जहन में आकर गुजर गया था, ये शख्स मुझे स्पेशल बीवी के पास भेजना क्यों चाहता है? बीवी का मतलब तो हमराद है, कहीं इसको वाकई मुझ पर शक तो नहीं पड़ गया? और इसके पास सबूत कोई नहीं है, इसलिए ये चाहता है कि मैं अपनी बीवी के पास जाऊं और बीवी ही पहचान सकती है कि ये इसका अपना शोहर है कि नहीं। मैंने कहा, हाँ महाराज, पत्नी जाति सावित्री हो तो वो अपने पति के बगैर तो एक पल नहीं रह सकती और जरूर उदास हो जाती है। ठीक है, तुम कल अपने गांव चले जाना, पैसों की जरूरत हो तो दफ्तर से ले लेना, लेकिन 10-15 दिन से ज्यादा ना लगाना, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। मेरा बड़ा अहम मसला इसने खुद ही हल कर दिया था। इस वक्त मेरे सामने अखनूर की तोपों वाले किलाबंदी का मिशन था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बहाना बनाकर मुंबई से निकल सकता हूँ। बाल ठाकरे ने खुद ही मेरे मिशन का रास्ता साफ कर दिया, लेकिन एक शक मेरे जहन में जरूर था कि ये शख्स मेरी रैकी तो नहीं करवाना चाहता। मैंने कहा, पेशवा जी अभी मेरे पास पैसे हैं, जरूरत पड़ी तो मंगवा लूंगा। बालाजी राव कहने लगा, इन पैसों का हिसाब किताब भी रखते जाना। बाल ठाकरे ने इसके जवाब में कहा, हिसाब किताब होता रहेगा धर्मचंद, तुम 1000-1200 रुपए ऑफिस सेक्रेटरी से ले लेना, मैं इसे कह दूंगा। एक बात साबित हो गई थी कि बालाजी राव अंदर से मेरे खिलाफ हो चुका था और मुझे रास्ते से हटाकर खुद बाल ठाकरे की आंखों का तारा बनना चाहता था। मेरे खिलाफ बात करने का वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था।
हालांकि पहले इसका मेरे साथ सलूक बड़ा दोस्ताना था, लेकिन जब से इसने महसूस किया था कि बाल ठाकरे मुझ पर ज्यादा इत्माद करने लगा है, तब से वो मुझसे हसद करने लगा था। मैं भी अंदर से होशियार हो गया था और इसे ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता था कि मेरे खिलाफ बाल ठाकरे कान भर सके। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं जिस मिशन को लेकर भारत में दाखिल हुआ था, इस अहम मिशन को भी मैंने नहीं भुलाया था। वो मेरी जिंदगी का अहम तरीन मकसद बन चुका था, यानी भारत में रहकर पाकिस्तान दुश्मन शिवसेना, आरएसएस और दूसरी मौतसिब हिंदू जमातों के मुसलमान और पाकिस्तान के खिलाफ नाबाकदायम को खाक में मिलाना। मैंने अगले रोज शिवसेना के ऑफिस सेक्रेटरी से 1200 रुपए लेकर इसे रसीद दी और बदरिया ट्रेन मुंबई से रवाना होकर जम्मू पहुंच गया। मुझे धर्मचंद की पत्नी से कोई सरोकार नहीं था, मैं सीधा कमांडो शेरबाज से जाकर मुलाकात करना चाहता था। रास्ते में मैं बड़ा होशियार भी था और अपने आसपास निगरानी करता जाता था कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। मैं अखनूर की तोपों और स्ट्रिंगर मिसाइलों को उड़ाने का कमांडो ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू करना चाहता था। जम्मू में मैं इसी होटल में जाकर ठहरा था जहां हमारा बूढ़ा कश्मीरी उर्द पसंद भी मुलाजिम था और इस इलाके में छुप छुप कर आने वाले कश्मीरी मुजाहिदों की पैगाम रसानी करता था। इसने मुझे देख लिया था, मैं आ गया हूँ, होटल के पुराने कमरे में ही ठहरा हुआ हूँ। वो थोड़ी देर बाद ही कमरे में गुलदान रखने के बहाने आ गया। मैंने इसे कहा, बाबा कमांडो शेरबाज को मेरा पैगाम पहुँचा दो कि मैं जम्मू पहुँच गया हूँ और आज रात खुफिया पनागाह में इससे मिलने आ रहा हूँ। बूढ़े कश्मीरी ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया और गुलदान कार्नस पर रखकर वापस चला गया। मैं दोपहर का खाना खाकर लेट गया। कोई 2 घंटे मैंने आराम किया, 4 बजे उठा और बूढ़े कश्मीरी बिस्तर चादर बदलने के बहाने कमरे में दाखिल हुआ। मेरे करीब आकर आहिस्ता से बोला, शेरबाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कहता था रात 11 बजे से पहले होटल से ना निकलना। मैंने कहा, ऐसा ही होगा। 11 बजे होटल से निकलने के बजाय मैंने ये किया कि 6 बजे शाम को ही फिल्म देखने चला गया। मैंने होटल के काउंटर क्लर्क को बता दिया कि मेरा खाना बाहर है और इसके बाद हम कुछ दोस्त मिलकर फिल्म देखने जाएंगे और रात को शायद मैं देर से वापस आऊं। मैं एक सिनेमा हाउस में घुस गया, 9:30 बजे तक फिल्म देखता रहा। इसके बाद जम्मू शहर के जदीद इलाके के एक होटल में बैठकर खाना खाया और वहीं चाय वगैरह पीते हुए वक्त गुजार दिया। जब रात के 11 बज गए तो मैं होटल से निकला और इस इलाके की तरफ चलने लगा जहां पहाड़ियों में एक जगह कमांडो शेरबाज ने अपना आर्थिक हाइड आउट बना रखा था। खूब सर्दी पड़ रही थी, कश्मीर की पहाड़ियों में बर्फबारी होती थी जिसकी सर्द हवा ने जम्मू की रात को सर्द कर दिया था। मैंने गर्म जैकेट और गर्म पतलून पहन रखी थी, सर पर ऊनी टोपी और गले में ग्लोबंद था। जेब में कोई असला वगैरह नहीं था, अगरचे मैंने कमांडो ट्रेनिंग ली हुई थी मगर मैं अपने साथ कोई रिवाल्वर या कमांडो चाकू वगैरह नहीं रखता था, मैं मुनासिब नहीं समझता था। मैं जिस खुश पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था वो खामोश और सुनसान था, जम्मू शहर की रोशनी काफी पीछे रह गई थी। जगह मैंने देखी हुई थी, इसकी खास निशानी 2 छोटे तीरले थे जिनके दरमियान एक दरह था। यहाँ से गुजर कर मुझे कमांडो शेरबाज की खुफिया कमीगाह में पहुंचना था। आसमान पर बादल भी थे और तारे भी निकले हुए थे, बड़ी मध्यम मध्यम रोशनी थी। इस रोशनी में टीलों को पहचान कर मैं दरे में दाखिल हो गया। यहाँ से गुजरने के बाद बाएं जाने मुड़ा तो मुझे किसी कदमों की आहट महसूस हुई, मैं वहीं रुक गया। मैंने जबान बंद रखी और अंधेरे में आंखें खोलकर देखने लगा। इतने में कोई खुश झाड़ियों से चलकर मेरे करीब आ गया, ये कमांडो शेरबाज था। हम खुफिया पनाहगाह में आकर बैठ गए। वहाँ पहले से एक मोमबत्ती रोशन थी, जमीन पर खुश झाड़ियों के ऊपर दरी बिछी हुई थी और एक लिहाफ भी पड़ा था। कमांडो शेरबाज मेरे सामने बैठ गया। मैंने पाकिस्तान में इसको दहशतगर्दों की इबरतनाक मौत के सारे वाकयात सुनाए तो वो खुश होकर बोला, बहुत खूब, लेकिन बाल ठाकरे वगैरह को तुम पर कोई शक तो नहीं पड़ा? मैंने कहा, मेरा ख्याल है अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसने खुद मुझे जम्मू कश्मीर की तरफ पाकिस्तानी जासूसों का खोज लगाने के लिए भेजा है। मैंने शेरबाज को बिल्कुल ना बताया कि बाल ठाकरे ने मुझे गाँव अपनी धर्मपत्नी से मिलने के लिए भेजा है। ये बात मैं कमांडो शेरबाज को हरगिज नहीं बता सकता था क्योंकि इस पर मैंने अभी तक अपना आप जाहिर नहीं किया था। तो मैं धर्मचंद नहीं बल्कि इस काम शक्ल बनकर यहाँ आया हुआ हूँ। अगर मैं इसे बता भी देता तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं था, मगर मैं अभी इस राज को शेरबाज पर जाहिर नहीं करना चाहता था क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। इसे यही मालूम था कि मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान की सलामती और आजादी कश्मीर के मिशन को लेकर अपने तौर पर भारत में आया हुआ हूँ और हिंदू बनकर शिवसेना में भर्ती हो गया हूँ और अपनी होशियारी और अकलमंदी से मैंने बाल ठाकरे का भरपूर एतमाद हासिल कर लिया है। मैंने शेरबाज से कहा, शेरबाज बाल ठाकरे ने मुझे 10 दिन के लिए अब इस इलाके में पाकिस्तानी जासूसों का खोज लगाने के लिए भेजा है, इसके बाद मुझे वापस मुंबई चले जाना होगा। मैं चाहता हूँ कि इस दौरान हम अखनौर के किले बंदियों को उड़ा दें, क्या तुम इस कमांडो ऑपरेशन के लिए तैयार हो? कमांडो शेरबाज ने सीने पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह पाक के हुक्म से मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे बताओ कि हमें इस ऑपरेशन के लिए किस किस्म के असला दरकार होगा। मैंने शेरबाज से कहा, सबसे पहले मैं जिस बात की वजाहत बहुत जरूरी समझता हूँ और जो मेरी मजबूरी है वो ये है कि ये कमांडो ऑपरेशन हमें रात की तारीकी में छापा मार गोरिलों की तरह अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन के मोर्चों में घुसकर सर अंजाम देना होगा। कमांडो शेरबाज मेरी तरफ ताज्जुब से देखने लगा। वो कहने लगा, लेकिन तुम्हें तो ये आसानी हासिल है कि तुम दिन के वक्त टीलों की भारी किला बंदियों और पैरामीटरों में जा सकते हो और वहां अपनी मर्जी के मुताबिक तोपों और स्ट्रिंगर मिसाइलों के बेस में डायनामाइट लगा सकते हो। टीले पर मोर्चा बंद आर्टिलरी रिजर्व बटालियन को तुम कह सकते हो कि तुम भारत की सेंट्रल डिफेंस इंटेलिजेंस के स्पेशल ऑफिसर हो। इस सहूलत के होते हुए हमें रात के अंधेरे में छुपकर वहां जाने की क्या जरूरत है? मैंने शेरबाज से कहा, यही सहूलत मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। मैं नहीं चाहता कि इस मिशन के दौरान वो लोग मेरी शक्ल देखें। तुम ठीक कहते हो,
कर्नल राम सिंह और इसकी रिजर्व बटालियन का हर छोटा बड़ा ऑफिसर मेरे बारे में जानता है कि मैं सेंट्रल डिफेंस इंटेलिजेंस का आदमी हूँ। मुझ पर दरवाजे खुले हैं, मैं बड़ी आसानी से टीले की किलाबंदियों में जाकर जब चाहूँ जहाँ चाहूँ धमाका खेज माइक्रोचिप्स बम लगा सकता हूँ। इस तरह किलेबंदियों की तोपें और स्टिंगर मिसाइलों के सारे ढेर तबाह हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद जब मैं मुंबई गया तो मेरी गिरफ्तारी यकीनी है। इससे पहले भी मैं इसी तरह जलंधर का पृथ्वी मिसाइलों का अड्डा तबाह कर चुका हूँ। अब ये मोर्चा तबाह हुआ तो इन लोगों को जो मुझ पर थोड़ा सा शक है वो यकीन में बदल जाएगा। हम अखनऊ की तोपों को तो उड़ा देंगे लेकिन इसके बाद मैं पाकिस्तान की सलामती के लिए अपने मिशन को जारी न रख सकूंगा, क्योंकि ये तयशुदा बात है कि अखनौर की तोपों के मोर्चे और स्टिंगर मिसाइलों की तबाही के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाजीराव पहले ही मेरा दुश्मन है, वो मेरे खिलाफ किसी मौके को तलाश में है। इसे मौका मिल जाएगा, वो बाल ठाकरे और डिफेंस इंटेलिजेंस के लोग भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि मैं जहां जाता हूं वहां इंडियन आर्मी को कोई ना कोई अहम तनसी बात को नुकसान पहुंच जाता है। नहीं नहीं शेर, बाद में मौत के हाथ में हाथ डालकर रात के अंधेरे में दुश्मन के मोर्चों में घुसकर डायनामाइट लगाने की कोशिश करूंगा। खौ इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन दुश्मन की सिर्फ 3 तोपों को तबाह करने के वास्ते मैं अपने पाकिस्तान की सलामती के मिशन से दस्तबरदार नहीं हो सकता। भारत हमारा दुश्मन नंबर 1 है, वो कश्मीर की आज़ादी को मुस्तकिल तौर पर गुलामी की जंजीरों में जकड़ने और पाकिस्तान को ख़त्म करने के वास्ते नित नए हरबे और हथियार तैयार कर रहा है। मुझे एक एक करके इन हरबों और हथियारों को खोज लगाना और इन्हें तबाह करना है। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो मेरा ख्याल है तुम समझ गए होगे। कमांडो शेरबाज का चेहरा और इसकी काबी आंखें बता रही थी कि वो समझ गया है। कहने लगा, तुम ठीक कहते हो, मैं 1000 बार अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारे साथ इस मिशन पर जाने को तैयार हूँ, लेकिन ये गवारा नहीं कर सकता कि इस मिशन की कामयाबी के बाद भारतीय पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर ले। कोई परवाह नहीं, हम कमांडो हैं, इस्लाम के कमांडो, हम इस किस्म के मिशन पर तो जाते ही रहते हैं। हमेशा रात की तारीकी में जान खतरे में डालकर दुश्मन के पेट में गए हैं और अपना टारगेट मार कर आए हैं। इंशाल्लाह हम इस बार भी कामयाब लौटेंगे। मुझे बताओ हमें कितना धमाका खेज मवाद वगैरह साथ ले जाना होगा, क्योंकि किला बंदियों की 3 तोपें बहुत बड़ी हैं और बहुत मजबूत हैं, इन पर आम किस्म के ग्रेनेडों का कोई असर नहीं होगा। मैंने कहा, यह पॉइंट मेरे ज़हन में है, मैं जानता हूँ इतनी बड़ी तोपों को उड़ाने के लिए इतने ही ताकतवर धमाका खेज मवाद की ज़रूरत है, लेकिन तुम एक बात भूल गए हो, मैं इन दोनों तोपों के पैरामीटरों और बाईं जानिब टीले की चोटी पर नक्शुदा स्टिंगर मिसाइलों का इतने करीब से सर्वे कर चुका हूँ कि मुझे ये भी मालूम है कि तोपों की किलाबंदियों के दरमियान फासला कितना है और वहाँ घास किस किस्म की है। तो फिर तुम क्या मशवरा देते हो, शेरबाज ने सवाल किया। मैंने कहा, मेरी बात गौर से सुनो, ये दूरमार तोपें पक्की गुंबदनुमा छत वाले पैरामीटरों के अंदर लगी हुई हैं। इन तोपों के 50 के करीब बड़े बड़े गोले हर मोर्चे के अंदर दीवार के साथ खड़े किए गए हैं, लेकिन इन लोगों का असल जखीरा इन किलाबंदियों के ऐन नीचे एक तहखाने में हर वक्त मौजूद रहता है। छोटा सा एक और तहखाना इस तहखाने की दीवार के साथ जुड़ा हुआ है। इस तहखाने में ड्रमों की शक्ल में पेट्रोल का जखीरा भी मौजूद है। हमारा असल टारगेट ये दोनों तहखाने होंगे। हम बाहर से चलकर या रेंग कर तोपों तक नहीं पहुंच सकते, वहां हर वक्त 10-12 संतरियों की मुसल्लह गार्ड मौजूद रहती है। हम इस टीले के खारदार तारों वाले गेट के रास्ते में भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। एक तो वहां रात को रोशनी होती है, दूसरा वहां भी मुसल्लह गार्ड 24 घंटे ड्यूटी पर होते हैं। तो फिर हम टारगेट पर कैसे पहुंचेंगे, मैंने शेरबाज के सवाल के जवाब में कहा। टीले की 3 तरफ खाइयां, पत्थर और झाड़ियां हैं, एक तरफ ढलान है, बारूदी सुरंगें बिछी हैं, इन तरफ जाना कौम का मौत को दावा देना है। एक जानब थोड़े थोड़े फासले पर मशीन गनों की पोस्टें हैं, तीसरी तरफ रिजर्व बटालियन की बैरकें हैं। इस तरफ से भी अगर रात के वक्त कोई बला भी गुजरेगी तो गार्ड पोस्ट को खबर हो जाएगी और रोशनी राउंड फायर होकर आसमान और ज़मीन को रोशन कर देंगे, साथ ही मशीन गनों की गोलियों की बौछारें मारनी शुरू कर देंगे। शेरबाज ने बेसब्री से कहा, हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे इसी सवाल की तरफ जा रहा था। टीले का सिर्फ एक पहलू ऐसा है जहाँ से हम ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, और वो टीले की चौथी जानी वाला बरसाती तालाब है। मैंने तुम्हें अभी तक ये नहीं बताया कि टीले की चौथी जानी ऊंचे नीचे सरकंडों और झाड़ियों में घिरा हुआ एक बरसाती तालाब है जिसमें बारिश का पानी हर मौसम में जमा रहता है। शेरबाज मोमबत्ती की रोशनी में बड़े गौर से मुझे देखता रहा था। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, टीले पर मोर्चा बंद यूनिट के लंगर खाने वगैरह का फालतू पानी नीचे इसी तालाब में आकर गिरता है। टीले का ये पहलू चूंकि बटालियन की फौजी बैरकों के बिल्कुल सामने है, इसलिए यहाँ टीले के नशेब में कोई मशीन गन पोस्ट नहीं है और बारूदी सुरंगें भी नहीं बिछाई गई। मैं पूरा सर्वे करने के बाद तुम्हें बता रहा हूँ। इसी जानब एक छोटा सा धोबी घाट बना हुआ है जहाँ दिन के वक्त धोबी फौजी वर्दियाँ चादरें वगैरह धोते हैं और वहीं सुखाने के लिए डाल देते हैं। धोबी घाट छोटे पत्थरों के छोटे छोटे 4-5 चबूतरों की शक्ल में है। यहाँ 2 छोटी होदियाँ बनी हुई हैं जिनमें पाइपों के जरिए पानी गिरता है। धोबी घाट से थोड़ा ऊपर टीले की ढलान पर ही पानी की एक बड़ी टंकी है जिसमें नीचे से पानी सप्लाई होता है। इस टंकी के पहलू में 6-7 सीढ़ियाँ उतरकर एक छोटा सा तहखाना है जहाँ धोबी मैली वर्दियों के गट्ठर रखते हैं। हमारा टारगेट ये तहखाना होगा। कमांडो शेरबाज कुछ समझ न सका, कहने लगा, तहखाना टारगेट होगा, वो कैसे?
मेरे जैकेट में से नोटबुक और एक पेंसिल निकालकर शेरबाज के सामने कागज़ पर टीले के धोबी घाट का नक्शा बनाया, फिर वहाँ पानी की बड़ी चौकोर टंकी बनाई। इसके साथ ही एक निशान लगाकर कहा, इस जगह तहखाने की सीढ़ियाँ हैं, ये कोई बगालदा तहखाना नहीं है।